नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक शाखा प्रबंधक कृष्णमणि मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जीके श्रीवास्तव क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक आजमगढ़ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक विकास त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदय राज यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सहित अन्य लोगों ने बताया कि शाखा प्रबंधक कृष्णमणि मिश्रा जैसा व्यक्ति होना संभव नहीं है। आज तक कोई भी व्यक्ति बैंक से नाराज नहीं गया, बैंक के प्रति हमेशा से संपूर्ण समर्पित रहे। पूरे जीवन में 41 साल बैंक की नौकरी की है, वहीं पूरे जीवन काल में इनसे सभी लोग खुश हैं। आए हुए सभी लोगों ने उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, साथ ही अंगवस्त्रम के साथ रामचरितमानस देकर सम्मानित किया गया। वहीं शाखा प्रबंधक आशुतोष सिंह ने आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर आए हुए लोगों ने सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक कृष्णमणि मिश्रा के उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना की। इस मौके पर नीतीश कुमार, कटवारू सोनकर, अनुराग, संदीप सिंह, सीताराम सिंह, आदित्य सिंह, विजय प्रताप, प्रदेश मंत्री अटेवा, श्याम बिहारी वर्मा, सत्यनारायण यादव, दिलीप यादव, हेमचंद्र यादव, विजय सिंह, ओम प्रकाश वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है शाखा प्रबंधक ने, आप सुनिए। हाँ, मैं कृष्णमणि मिश्रा, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक बुढ़नपुर शाखा आजमगढ़। इस बैंक में 21 मार्च 1983 से कार्य कर रहा हूँ। इस समय मुझे 41 वर्ष 1 महीना 9 दिन हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया है और काम करते हुए वरिष्ठ प्रबंधक पद प्राप्त किया है। आज के दिन मेरा रिटायरमेंट हो रहा है और यही मेरी हुआ है। मैं महाराजगंज प्रॉपर का रहने वाला हूँ। अरे, हमारे ग्राहक इतने अच्छे हैं, इतने परिचित हैं, हम उनकी इतनी तारीफ करें, सब कम है। हाँ, और बस मैं सब जीके श्रीवास्तव क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक क्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़। आज हमारी बुढ़नपुर शाखा के अधिकारी श्री के एम मिश्रा जी के सेवानिवृत्त के अवसर पे इस कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अध्यापक गण, सभी हमारे बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी गण तथा हमारी शाखाओं से आए हुए शाखा प्रबंधक एवं अधिकारी तथा कर्मचारी गण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं माननीय के एम मिश्रा जी के विदाई के अवसर पे परमपिता परमेश्वर से यह कामना करता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद मिश्रा जी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, सानंद रहें तथा हमारे बैंक से जुड़े रहें। और मैं यहाँ की जनता से यह अपील कर रहा हूँ कि हमारा बैंक देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है और हम विभिन्न प्रकार की बहुआयामी बैंकिंग सेवाओं को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उत्तम कोटि की ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारा इस क्षेत्र के सभी गणमान्य ग्राहकगण, नागरिक और जनता से अनुरोध है कि यदि आपका खाता हमारे बैंक में नहीं खुला है तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे शाखाओं में अपना खाता खुलवाइए और ख़ास तौर से न केवल खाता खुलवाइए बल्कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जो महत्वपूर्ण जन सुरक्षा योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन योजनाओं का लाभ उठाइए। ये योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे आकर्षक ब्याज दर पे इसमें प्रतिफल मिलता है। और जो ये दोनों बीमा की योजनाएं हैं, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो 2 लाख का बीमा मात्र 20 रुपये में प्रतिवर्ष में करती है, ये विश्व के किसी कोने में भी इतना सस्ता बीमा उपलब्ध नहीं है जितना कि भारत सरकार द्वारा संचालित और हमारे बैंक द्वारा की जा रही इन योजनाओं में बीमा उपलब्ध होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह भी बहुत ही
महत्वपूर्ण बीमा योजना है। मैं यहाँ के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन बीमा योजनाओं में अपना आच्छादन कराएं, खाते खोलें और अटल पेंशन योजना का लाभ लें। मित्रों, इसके साथ ही हमारा बैंक बहुत सारी मोबाइल बैंकिंग या आईटी संबंधित सुविधाओं के लिए इनेबल्ड है, तैयार है। हम आपका फंड आरटीजीएस ट्रांसफ़र के माध्यम से और नेफ्ट के माध्यम से जहां भी आप चाहें वहां देश के कोने कोने में हम भेजवा सकते हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं आप। मैं आज श्री के एम मिश्रा जी के रिटायरमेंट के अवसर पे यह उल्लेख करना चाहूँगा, यह अभिलेखित करना चाहूँगा कि यहाँ जो भीड़ है यह साबित कर रही है कि कितने लोग इनको चाहने वाले हैं। और यह बता दें कि मिश्रा जी हमारे एक जैसे नगीना जिसको कहा जाता है, नगीने रहे हैं इस बैंक के। देखिए, यह बैंक जो बना है यह बहुत सारे लोगों के सहयोग से बना है। इतना बड़ा जो